दोस्तों मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया आप फोटो कैसे एडिट करते हैं, फ़ोन से करते हैं या फिर कंप्यूटर से करते हैं, किस ऐप से करते हैं, और मतलब क्या तरीके हैं जो इतना अच्छा फ़ोटो आप एडिट करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं मेनली जो है वो कंप्यूटर से फ़ोटोज अपने एडिट करता हूँ, ठीक है, और कभी कभी और सॉफ्टवेयर का नाम है लाइटरूम, फोटोशॉप, कभी कभार दोनों से मैं एडिट कर लेता हूँ। बट आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कैसे आप फ़ोन से भी अच्छा एडिट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस मेन होता है, ठीक। अगर आप प्रोसेस जान गए तो आप फ़ोन से करेंगे या फिर कंप्यूटर से करेंगे, दोनों से आप बहुत अच्छा एडिट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ फ़ोटोज़ मैंने अपने कैनन 200D मार्क II से खींचे हुए हैं, तो चलिए फटाफट अपने फ़ोन के लाइटरूम में इसको इम्पोर्ट करते हैं और एडिट करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर आना और ऑटो देख रहे हैं, तो ऑटो क्या करता है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर देता है, मैं ऑटो पे कर देता हूँ। अब जो इसका मेन पार्ट है वो है लाइट, इन्हीं चीज़ों को छेड़ के आप फोटो को अच्छा बना सकते हैं, ठीक। तो जो मैंने ऑटो टच किया था उसकी वजह से ये अपने आप से एडजस्टमेंट हुआ है, अब मैं ट्वीक करता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ से आप 100 हिस्टोग्राम इसको ओपन कर लेना, और इसमें जो हिस्टोग्राम आप देख रहे हो ना, ये जो ग्राफ है ये हमेशा बीच में ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेफ्ट में ये नहीं होना चाहिए सटा हुआ, ना ही वाइट बहुत ज़्यादा राइट में ही ना ही जाना चाहिए, क्योंकि राइट में जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। फ़िलहाल के लिए इसको ऑफ़ करते हैं, एक्सपोजर जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसको मैं हल्का सा कम करता हूँ। ठीक है, एक जो भी आप चेंज करो ना, एक भी पॉइंट आप उसको चेक करो, ठीक है, बिफोर आफ्टर करके, कि बिफोर कैसा था और आफ्टर कैसा है, इससे ये पता चलेगा कि हाँ हमने जो चेंज किया है वो अच्छा चेंज किया है ख़राब चेंज किया है, ठीक। एक्सपोजर हो गया, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हाईलाइट, देखिए हाईलाइट क्या है, हाईलाइट से क्या होता है, जैसे वाइट है, शर्ट मेरा वाइट है, अभी मैं हाइट और हाईलाइट बढ़ा दूंगा, देखिए जो शर्ट का जो डिटेलिंग है वो गायब हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसको हम थोड़ा सा और कम कर देंगे ताकि मेरी डिटेलिंग इसकी वापस आ जाए। उसके बाद शैडो को एक बार इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लें, ठीक। वाइटनेस एक्सपोज ज़्यादा हो रहा है इसलिए वाइट को थोड़ा और कम करेंगे, ठीक है। ब्लैक को, ब्लैक बेसिकली क्या है कि जैसे आप फोटो अभी देख सकते हो थोड़ा सा फेडेड लग रहा है, फेडेड मीन्स वॉश आउट टाइप का, ठीक। जैसे मतलब ब्लैक को बढ़ा दूंगा, देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक। तो इसके ब्लैक वाले, जैसे मेरी दाढ़ी जो है ब्लैक है, अब वो कितना ब्लैक होनी चाहिए, अगर मैं इतना कर देता हूँ तो ये बेकार लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप बैकग्राउंड को भी ध्यान देते रहिएगा, 63-65 थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ये इनफ है, ठीक है। बिफोर आफ्टर अभी आप खुद देख सकते हैं कि कितना चेंजमेंट हो गया, सिर्फ मैंने एक्सपोजर, कंट्रास्ट और मतलब इसके बेसिक कलर करेक्शन को छेड़ा है और ये कितना अच्छा इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं इसको टेम्परेचर में, ठीक, वाइट बैलेंस में थोड़ा सा इसको टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, ठीक, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये का वक्त, ये वक्त है आपका शाम के टाइम का, गोल्डन टाइम जिसे कहते हैं, और टिंट को थोड़ा सा ग्रीन की तरफ, ठीक है। वाइब्रेंस हम बढ़ा देते हैं कि फोटो में थोड़े कलर्स और खिल जाएं, सैचुरेशन नहीं, हमेशा आप वाइब्रेंस ही बढ़ाइएगा, क्योंकि वाइब्रेंस जब भी कलर्स को बूस्ट करता है तो वो उसको ख़राब नहीं करता है, ठीक है। और सैचुरेशन को हल्का सा कम कर सकते हैं -4, ठीक है। अभी मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, बिफोर आफ्टर, ठीक है। चलते हैं स्प्लिट टोन में, ठीक है, यहाँ पे टेक्सचर को छोड़ देते हैं, क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। विकनेट थोड़ा सा साइड में वो ब्लैक टोन डाल देता है इस टाइप का, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं इतना ही रखेंगे, काम करते हैं विग्नेट नहीं, हम इसको ट्राई करते हैं सेलेक्टिव टूल को, ठीक।
यहाँ पे है सेलेक्टिव टूल, इस पर टच करेंगे और ये ग्रेडियंट टूल लेके नीचे साइड से इसको इतना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। लाइट में जाएंगे, एक्सपोजर को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक। शैडोज, शैडोज को भी कम कर देंगे, इतना काफ़ी है, ठीक। एक और ग्रेडियंट टूल लेंगे और जिधर से हमारा सन आ रहा है, इसी साइड से आ रहा है, तो उसको हम यहाँ तक करेंगे और इफेक्ट में जाके डी हैज को इतना करके बढ़ा देंगे थोड़ा और टेम्परेचर इसका इतना कर देंगे, ठीक है। काम करते हैं, डी हैज को थोड़ा और कम ही रखते हैं, ठीक। एक और सेलेक्टिव टूल लेते हैं, इस बार स्क्वायर वाला लेंगे और फेस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे अपना फेस है, ठीक। और बाकी जितने पार्ट हैं इसको एक्सपोजर को हम डाउन कर दें, इससे क्या होगा कि जो हमारा फेस है वो क्लियर दिखेगा, ठीक। थोड़ा सा बैकग्राउंड से सेपरेट हो जाएगा, नथिंग एल्स। अभी इसको डन करते हैं, एक बार मैं इतना प्रोसेस बिफोर आफ्टर करके दिखाता हूँ। दिस इज बिफोर, एक सेकेंड, बिफोर आफ्टर। अब एक चीज़ कर सकते हैं, डिटेलिंग में जाकर थोड़ा शार्पनिंग बढ़ा सकते हैं, नॉइज रिडक्शन थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्टिक्स में क्रोमेटिक एब्रेशन को ऑन कर दीजिएगा और ये जियोमेट्री इसको छूने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब एक चीज़ और लास्ट चीज़ कर सकते हैं आप, इफेक्ट्स में आके स्प्लिट टोन करेंगे, ठीक। जो मेरा हाईलाइट पार्ट है उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा येलो, कौन सा येलो ऐड करूँगा, ठीक है। और ग्रीन में थोड़ा सा ग्रीन ऐड करूँगा। करने के बाद अब आते हैं कलर में, कलर में आने के बाद मिक्स वाला पार्ट को भी हम थोड़ा सा छेड़ेंगे, ठीक। इसमें देखिए जो रेड कलर होता है वो स्किन का कलर होता है, उसको हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। और जो येलो पार्ट है, येलो वाले पार्ट को थोड़ा सा देखिए काम करते हैं येलो को। यहाँ से आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जैसा कलर चाहें वैसा आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर थ्योरी का ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ, देखिए जो ग्रीन है वो हल्का सा येलो की तरफ लगेगा, जो ग्रीन है वो भी हल्का सा येलो की तरफ ले जाएंगे और साइन को, ठीक। और देखिए पैंट का जो कलर है अभी जीन्स का कलर है वो थोड़ा सा वैलेट में है, बैंगनी टाइप का है, ब्लू टाइप का है, इसको मैं हल्का सा ग्रीन की तरफ ले जाऊँगा, ठीक है, हल्का सा, ताकि वो थोड़ा सा नेचर से मैच हो जाए, क्योंकि फिर वो अलग ही लगेगा। फिर वो ग्रीन जो है इसको भी कर दिया मैंने, ये स्किन का कलर है ऑरेंज टाइप का, देखिए इसको डाउन करूँगा, देखिएगा आपको जो स्किन है वो पूरा डिसैचुरेट हो जाएगा। तो इसको मैं वापस कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ताकि चेहरे पर थोड़ा सा लाइट और आ जाए, यहाँ से इसका ल्यूमिनेंस बढ़ा देंगे, चेहरे पर थोड़ा और लाइट आ जाएगी, ठीक। अभी आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई मैटर नहीं करता है कि आपके पास कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है या फिर फोन से आप एडिट करते हैं, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि आपको एडिट कैसे करना है, ठीक है। आपकी फोटो किस चीज़ की ज़रूरत है, उसमें लाइट, उसमें सैचुरेशन ज़्यादा की ज़रूरत है, कम की ज़रूरत है, एक्सपोजर ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। आप इसको जानिए, फिर आप फ़ोन से, कंप्यूटर से, जिस चीज़ से चाहें उससे एडिट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। सो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।